तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष आरएनडी टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग नेवी एमआर का मॉडल पेपर, जिसमें हम अरिथमेटिक की बात करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए गए हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल देखिए एक एक क्वेश्चन और पेन और पेपर उठाइए और सॉल्व करिए हमारे साथ। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भैया रूट के अंदर और पाई, ये क्या हो जाती है? अपरिमेय। बाकी उसके अलावा जो भी आएगा वो अपरिमेय होगी रूट और पाई, और उसके अलावा सारे क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे फोकस करेंगे, ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे रूट 23 जीरो आ जाएगा, यही आपका जीरो क्या हो जाएगा? परिमेय होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया किसी संख्या को 296 से भाग देते हैं तो 75 शेषफल आता है। उसी संख्या को बोला जाए तो उसी संख्या में भाग दे दो 37 से, 37 गुना 74 कितना बचेगा आपका? एक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 13 और यहाँ पे 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 22। तो ये आपका क्या आ जाएगा? सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। जो बच्चा चाहता है एयरफोर्स में भी एसएजी की तैयारी करना, बिल्कुल आप इसी नंबर पर कॉल करिए 9696330 और आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3, तो हम मान लेते हैं क्या है ये यक्स का आपका 2/3 और यहाँ पे यक्स का ही 3/5, ये 4 अधिक है। तो भैया डिफरेंस निकालो, 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9, 10 - 9 आपका 1, एक्स आएगा और 5 × 3 = 15 बराबर 4, 15 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 60। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आ जाएगा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप गुणा करेंगे ये 225 पहले तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचा आपका? 12 और 4 = 8, तो 0 कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। 8 यहाँ से है, 8 × 5 कितना आ जाएगा आपका? 40। 8 × 2 = 16, 4 कितना आ जाएगा? 20। 8 × 2 = 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। 2 अंक के बाद दशमलव है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी एक नंबर को आप उठा लीजिए, रूट लगा हट जाएगा आपका 6.1, आपका 0.61 इसका जाएगा ऊपर, तो 00 ऊपर, इसका आपका 10, ये कैंसिल हुआ, एक यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे केस में कितना आ जाएगा आपका? 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इतने इससे डिवाइड करने पर 2 शेषफल आता है। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 62। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 62 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 छात्रों की उम्र का औसत आपका 10 वर्ष है, 24 लोगों का 10 10 वर्ष है, हर कोई 10 साल का है, शिक्षक अगर आता है तो वो आपका कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। तो 10 × 11 तो इसका हुआ, लेकिन 24 लोगों का भी आपका 1 बढ़ गया था, तो यहाँ पे शिक्षक कितने साल का है? तो यहाँ पे 35 साल का हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों तो आपका कितना आ जाएगा? शिक्षक 35 साल का निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे महावीर और सुरेश, देखिए यहाँ महावीर है और यह सुरेश है। सुरेश की आय का अनुपात कितना है भाई? 5 और 4 है। उनके खर्चों का अनुपात आपका 3 और 2 है। दोनों लोग ही कितना बचाते हैं? 800 रुपये बचाते हैं दोनों लोग। तो देखिए 5 × 2 = 10 और 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। अंतर कितना आया 2 का? तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ पे 3 है, 3 है ना, इनका अंतर 1 बराबर 800। तो यहाँ पे 1 बराबर निकालिए, 2 × 4 कितना आ जाएगा? 800 रुपये। फिर आपसे पूछा गया महावीर, महावीर कितना है? 5। 5 बराबर आपको निकालना होगा, 5 × 4 = 20, तो कितना आ जाएगा? 2000। तो महावीर की जो इनकम है वो कितना है भाई? 2000 के बराबर है, तो कौन सा आ जाएगा? सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे दिया गया, राम के खर्च और बचत का अनुपात आपका 5 और 3 है। देखिए अब यहाँ पे आय बराबर अगर हम बात करते हैं, आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है आपका? बचत। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका? खर्च और बचत, खर्च यहाँ पे 5 है, ये 3 है, तो ये 8 है। फिर आगे आपका दिया गया उनकी आय 12 × 8 कितना हो जाएगा? 96 और उसका खर्च यहाँ पे 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75। तो यहाँ से आप निकालेंगे 75 × 5 = 80, तो 16 × 5 कितना आ जाएगा? 21। 3 से भाग दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 7%। 3 से भाग देंगे, 3 × 7 = 21, 7% उसका क्या होता है? सेविंग इंक्रीज हो जाती है।
जो बच्चा चाहता है 25% डिस्काउंट के साथ बुक मंगाना, आसानी से घर बैठे मेन साइट से मंगा सकते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5%, देखिए 100 रुपये का सामान है, बेच कितने में रहा है 110 में, 5% कम में लाता, मतलब 95 में खरीद कर लाता, 95 में खरीद कर लाता, 5% कम, 80 रुपये अधिक पर बेचता तो 20% का लाभ होता। इसका 20% आप निकालिए, तो इसका 20% अगर हम निकालते हैं कितना आ जाएगा, तो 20 × 5 = 100, 5 का सामान जो है इसने कितने बेचा है, 5 का सामान इसने बेचा है 6 में, तो 19 × 6 कितना आ जाएगा 114, तो यहाँ से कितना ज़्यादा बेच रहा है, 4% की वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ से 80 रुपये है, तो यहाँ से आप बात करेंगे 1% की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो यहाँ 20 × 100 करेंगे तो 2000 रुपये, कौन सा आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं, अगला देखिए, 600 का 3 वर्ष के लिए यहाँ पे जो है कितना आपका ब्याज होगा, 600 रुपये को 3% से 10%, 3 वर्ष में 10% से दिया जाता है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18 = 180 रुपये, तो यहाँ से जो ब्याज आएगा कितना आ जाएगा, 180 रुपये निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, ए और बी 8 दिनों में करते हैं, बी और सी आपका कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं, ए और सी इसको जो है 8 दिनों में करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 3, 6 × 2 = 8, तो ए प्लस बी प्लस सी हर कोई 2 बार है, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, तीनों मिलकर पूरे काम को, तो भैया तीनों 4 काम करते हैं एक दिन में, तो ये 24 काम को कितने दिनों में कर देंगे, 4 × 6 = 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दिनों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहे आपके जो है क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको समझ में आगे होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद एंड राम राम बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बेटा, फिर मैं आप लोगों के सामने नेवी एमआर के जो फिजिक्स के आपके 12 क्वेश्चन की सीरीज है उसको लेकर आया हूँ बच्चों, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा इसकी शुरुआत की जाए आज के क्वेश्चन की। तो शुरुआत बेटा ये है, पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि डायनमो विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स। डायनमो, डायनमो से क्या होता है बच्चों, जनरेटर में हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जनरेटर उसमें लगा होता है मैग्नेट के बीच में, दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स नॉर्थ साउथ साउथ पोल के बीच में रहता है, और ये क्या करता है, ये जब घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बेटा किस पर डिपेंड होता है, ये मैग्नेटिज्म पर डिपेंड होता है, मैग्नेटिज्म मतलब आपका चुंबकत्व बल पर निर्भर होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिर अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है कि कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर, कैपेसिटर किसके लिए इंसुलेटर की तरह काम करता है, कैपेसिटर संधारित्र या कंडेंसर, जो हमारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हो बेटा लगा रहता है, चाहे आप फैन मिलो या इलेक्ट्रिक मोटर मिलो, ये सभी जो बेटा डिजाइन होती है किस पर होती है, एसी सोर्स पे डिजाइन होती है, ठीक है। हमारा फैन भी जो घरों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी आती है, एसी सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जो हमारा कैपेसिटर डिजाइन होता है वो एसी सोर्स के लिए होता है, और डीसी के लिए किस तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डीसी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बेटा बढ़ा जाए। लाइट वेव बेटा कैसी वेव होती है, ठीक है, लाइट वेव हमारी कैसी वेव होती है, अभी चुका है, ठीक है। जैसे लाइट को, जैसे हाइगेंस ने बताया था कि मैकेनिकल वेव होती है, जो कि इनके फेल्योर का सबसे बड़ा रीजन था, फिर बाद में ये पता चला अपने एक्सपेरिमेंटों से कि लाइट जो है बेटा हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, किस तरीके की, अनुप्रस्थ तरंग की होती है, क्यों, क्योंकि ये पोलराइज्ड होती है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी क्वेश्चन बेटा उसी से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड, जैसे लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब लाइट ट्रांसवर्स वेव है तो ये भी क्या होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा कि रेनबो अपीयर्स ड्यू टू, रेनबो किसके कारण दिखाई देता है, रेनबो के देने का कारण क्या है। तो रेनबो में बेटा सारी प्रोसेस जो लाइट के हो काम करते, चाहे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, स्कैटरिंग हो, डिस्पर्शन हो, सभी काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा हम ऑप्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों को हम बोल सकते हैं, ठीक है, हालांकि होगा स्कैटरिंग भी आपका, तो अगर कोई तीसरा ऑप्शन होता तो वो भी हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, सोलर रेडिएशन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो सोलर रेडिएशन एस्ट्रोमीटर से बेटा हम एस्ट्रोनॉमिकल को मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, मैनोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द
कंटेनर किसी भी बंद गैस के या बंद कंटेनर के अंदर बंद गैस के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अगला बच्चा ऑप्शन पायरोमीटर, पायरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, रेडिएशन को मेजर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा हम लोग। When a ray of light is going from one medium to another medium, it's जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन सी चीज़ जो परिवर्तित नहीं होती। तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य भी बेटा परिवर्तित होती है, उसकी चाल भी परिवर्तित होती है, इंटेंसिटी भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन एक चीज़ बेटा जो कि फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, ये परिवर्तित नहीं होती। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डायमंड शाइंस ड्यू टू, डायमंड जो है चमकता रहता है हमेशा किस कारण, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, आपका हीरा जो है चमकता रहता है। उसके साथ साथ बेटा एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए कि जैसा आप जानते हो कि आपको सेना में सिलेक्शन के लिए बेटा मिक्सर कल्सी क्लासेस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्लेस है। यहाँ से बच्चों लाखों बच्चों सेलेक्ट होकर आज देश की बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे जो भी डिफेंस के एस्पिरेंट हैं वो जल्द से जल्द बेटा अपने समय को बिना गंवाए आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर 9696330033 पर कॉल करके अपने एडमिशन लेकर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो बेटा। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज पे बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पर आपको बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिलती है। उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ आपको फिजिकल ट्रेनिंग, SSB इंटरव्यू, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो बच्चों जुड़ना ना भूलें और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अरे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होता है वायर, उसमें लाइट किस तरीके से फैलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इसीलिए उसमें क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इनमें से कौन सी ऐसी लाइट है जो नहीं पोलराइज, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड, ये सभी क्या है बच्चों, ये हमारी जो लाइट स्पेक्ट्रम है इसमें फॉलो करती हैं, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव हमारी नहीं होती, तो अल्ट्रासोनिक वेव हमारी पोलराइज्ड नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं लगता, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, यानी कि इसमें सभी क्या है, करेक्ट है। चलिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इनमें से प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिलता है। तो बेटा किसको मिलता है प्रोटॉन की, हमने बताया था आप लोगों को ईटा पर नाचे, एक कंसेप्ट हमने बताया था कि ईटा पर नाचे करके, इस तरीके से ईटा पर नाचे। ठीक है, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब थॉम्सन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की थॉम्सन, और पी मतलब पर मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन मतलब रदरफोर्ड। ठीक है, कौन है, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब चैडविक। ठीक है, चैडविक। तो किसका पूछा गया बेटा यहाँ से आपसे, यहाँ से पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवर द प्रोटॉन, प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रदरफोर्ड। तो आज की बेटा सीरीज यहीं पर खत्म होती है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कल्सी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखें हम लोग नेवी MR के GK के प्रश्नों को, जो कि आप अधिकाधिक बार इसे पढ़िए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है, जो कि श्योर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए और आगे बढ़े हम लोग। इन विच ईयर द नीति आयोग वाज इस्टेब्लिश्ड, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 2011, 2012, 2013, 2015। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे भैया, इसका करेक्ट जवाब 2015, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, इन द करेंसी नोट्स इन इंडिया इज इश्यूड बाय, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? When was the Central Statistical Organization CSO established? 1951, 1950, 1952, 1956. तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए 1951. नेक्स्ट, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव संरक्षित है? विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क? सफ़ेद हाथी या वाइट एलिफेंट, हिरण या डियर, एक सींग वाला गैंडा, सिंगल हॉर्न रॉइना, घड़ियाल या एलिगेटर्स? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सरिस्का, राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम अयस्क है, एल्यूमिनियम इज ओर ऑफ क्यूप्राइट, मैग्नेटाइट एवं चाक और बॉक्साइट? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? शेर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मीन्स बॉक्साइट। अगला, अब लोग आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि आप सारे शेर सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कल्सी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आप जुड़ें। एयरफोर्स, नेवी, ICG की तैयारी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फायदा उठाएं। जुड़ते ही आपको रिटेन, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश जैसे सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, वेयर इज द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अमृतसर? तो कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट जवाब नई दिल्ली। कहाँ मेरे शेर? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है कौन सा राज्य है? हु इज नोन बाई द निक नेम गार्डन ऑफ स्पाइसेस? कर्नाटका, केरला, झारखंड, गोवा? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? केरल, ऑप्शन बी। क्या होगा भैया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में या किस नदी पर स्थित है? धुआंधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, चंबल? तो किस नदी पर? इसका करेक्ट जवाब धुआंधार नर्मदा, ऑप्शन ए। अगला, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? लोकटक लेक, द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा? तो इसका लोकटक कहाँ है? मणिपुर। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेर? ऑप्शन बी। अगला, गुरु शिखर किसकी पर्वत चोटी है? हुज माउंटेन पीक इज गुरु शिखर? अरावली माउंटेन्स, हिमालयन, नीलगिरी, अन्नामलाई? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा?
अरावली, इसका मतलब ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद इज, कौन है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, सैफाबाद, आदिलाबाद। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सिकंदराबाद, ऑप्शन बी। क्या होगा शेर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया इज, इसका क्षेत्रफल 32,87,405 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट, जातीय संसद, मजलिस, पीपुल्स काउंसिल, नेशनल असेंबली। तो इसका क्या है? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, जातीय संसद। नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि आप फौरन एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़े, जो इंडियाज नंबर 1 ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की ऑनलाइन तैयारी का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं, आज ही संपर्क करें इस नंबर पर, बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न एवं भारत विभूषण। यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, भारत रत्न। नेक्स्ट, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? गरबा इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, कौन सा शेर? तो इसका करेक्ट जवाब राजस्थान, मणिपुर, गुजरात, असम। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? वेयर इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा सिचुएटेड, फ्रांस, इटली, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट मैच्ड, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जल दिवस 22 मार्च, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मना, ये सुमेलित नहीं है। इट मीन्स इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसमें न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? एमंग द 25 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया इन विच हाई कोर्ट द नंबर ऑफ जज आर मैक्सिमम, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, अलाहाबाद। कौन सा? अलाहाबाद, मीन्स ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन करता है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से
घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21st to 18 years. 54th, 62nd, 61st, 59. तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 61वां. नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, द प्रोपोनेंट ऑफ योग दर्शन वाज पतंजल, गौतम, जैमिनी एवं शंकराचार्य. तो कौन है? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, पतंजल. हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप फौरन एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़े टू क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम, जिस पर इस समय बम्पर छूट चल रही 25% का, आप फ़ायदा उठाएं, फ्री डिलीवरी भी होगी. ये रही हमारी बुक्स हिंदी और इंग्लिश में, एज इट इज टूडे ऑर्डर बुक करें. नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक इपिक आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? ब्राह्मण, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक. तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म. नेक्स्ट, कौन सुमेलित है? मेघस्थनी, चंद्रगुप्त, फाहयान, चंद्रगुप्त प्रथम, वेनसांग, चंद्रगुप्त और वास्को डी गामा, अकबर. तो यहाँ पर कौन करेक्टली मैच्ड? तो अब आप ये बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए. क्या होगा? ऑप्शन ए मीन्स मेघस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार. नेक्स्ट, किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था? हु हैड परफॉर्म 4 अश्वमेघ यज्ञ? पुष्यमित्र, प्रवरसेन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता. तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रवरसेन. ये रहे हमारे बेहतरीन 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के. हम उम्मीद करेंगे इसे आप बार बार पढ़ेंगे, अपने यार दोस्त मित्रों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको पढ़ जाएं और पास हो. आज बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद.